हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद, यानी कि एक महीने के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश है और मेरा मूड भी थोड़ा सा ठीक है। किस लिए, क्या हुआ है, सबको आप सबको तो बताऊंगी, शेयर भी करूंगी बहुत ही जल्दी। बहुत कुछ सारी बातें आप सबके साथ कहना है मुझे। और अभी मॉर्निंग के टाइम में सुमित थोड़ा सा बाहर गए हैं और मैं अभी ससुराल में हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा विंडो से, मेरा बिस्तर अभी भी जैसे के तैसे पड़ा है। अभी मैं इसे क्लीन करूँगी, रूम को क्लीन करना पड़ेगा। रूम मेरा बहुत ही मैसी होकर रखा हुआ है, देख सकते हैं। गमछा, मच्छरदानी, ब्लैंकेट, सब कुछ जैसे के तैसे हैं। एनीवे फ्रेंड, तो अभी सुबह का बज रहे हैं 10 और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं सुबह उठी थी 8:30 बजे, सुमित थोड़ा सा बाहर जाने के लिए उठे थे तो इसीलिए मुझे भी उठना पड़ा। उसे चाय वगैरह पिला दिया, चले गए हैं बाहर। तो मैंने सोचा उसके जाने के बाद ही मैं रूम को क्लीन करूंगी। तो अभी जो सुबह का जो काम रहता है बाहर का, वो सभी काम मेरा खत्म हो चुका है। अभी मैं मेरा रूम का करूंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और आज का दिन मैं कैसे बिताती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, बाहर का कुछ कपड़े वगैरह ये सब मैं धूप में दे दूंगी। और आज ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और आज का डेट है 7 तारीख है। आज है शुक्रवार और धूप तो बाहर नहीं निकला है। सुबह निकला था बाहर, कपड़े मैंने दे दिया है, आई होप आप देख पा रहे हैं। बाहर तो कपड़े दे दिया है, हवा चल रहा है बाहर ठंडा ठंडा। और आज लंच में बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाती हूँ, देखना चाहेंगे ना। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा लंच बनाना हो चुका है और आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि नॉर्मल सा मैंने लंच बनाया है। आपको तो दिखाया मैंने जो क्या बोलते उसको, बंगाली में बोलते प्याज कोली, स्प्रिंग अनियन, उसको फ्राई किया है। उसके बाद चावल तो दिखाया आपको, उसके बाद दाल, नॉर्मल सा दाल मैंने बनाया है। कोई छौक नहीं लगाया मैंने, सिर्फ उबला हुआ और मैंने उसमें अनियन, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, हल्दी, नमक, स्वाद अनुसार देकर मैंने थोड़ा सा दाल बना लिया है। उसके बाद जो सब्जी दिखाया वो सब्जी है करेला आलू की सब्जी, सुमित को बहुत पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं आता है क्योंकि मुझे कड़वा अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, तो मेरा तो लंच बनाना हो चुका है और आपसे मैं मिल रही हूँ 2 घंटे के बाद। तो अभी मेरा लंच बनाना हो चुका है, घर पोछा लगाना हो चुका है, झाड़ू लगाना हो चुका है, बर्तन धोना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ मेरा काम बाकी है नहाना। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ। तो इस बीच में सुमित भी आए थे, वो थोड़ा बैंक का थोड़ा सा काम है, वो गए हैं और बस वो आ जाए इसके बाद लंच करूंगी। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, बहुत ही लेट हो चुका है काम करते करते और बस यही चल रहा है। तो चलिए मैं नहाकर फिर आकर आपसे मिली। क्योंकि अच्छा ना ब्रेंड
तो फ्रेंड बैंक पे गई थी, थोड़ा सा काम था इसीलिए। और सुनी की कोच्चे तुमी আমার না টুলটা আমার ধরে এ আছে তো ফ্রেন্ড মেরা লঞ্চ করনে কে বাদ থোড়া সা বাহার গই থি আপ সবকো তো দিখায়া মেনে ব্যাংক গই থি থোড়া সা কুছ কাম হ্যায় ইসিলিয়ে काम आ गया था। उसके बाद आने के बाद सुमित ने पपीता तोड़ा देखा आपने, तो बस अभी सुमित थोड़ा बाहर गया है कुछ काम के चलते और मैं अभी सो रही थी। मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, लेकिन नहीं, आप सबके साथ कुछ शेयर करना है। सुबह से मैं बोल रही थी, जैसे कि आप सबको पता है सुमित का अफेयर चल रहा था। जी हाँ, सुमित का अफेयर चल रहा था 6 महीने से मेरे पीठ पीछे, वो किसी और के साथ डेट पे जाता ऑफिस, उसका 8 बजे ऑफिस छुट्टी हो जाता था, लेकिन घर पे वो 10 बजे 11 बजे आते थे। तब मुझे ना डाउट हुआ था, क्या बताऊं, बहुत मैंने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसके पीछे में जो जासूस होता है ना, वो मैंने बहुत पैसा खर्च करके वो लगाया था। उसके बाद सब कुछ उसका सब कुछ अभी अभी तो ठीक है, अभी 2 हफ्ता हुआ है इस जो चल रहा था हमारा, सुमित और मेरे बीच में जो रिलेशन में जो चल रहा था वो सब कुछ अभी तो कुछ दिन के लिए सॉर्ट आउट तो हो गया है। आई डोंट नो वो फिर ऐसा करेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे जितना पता है आई होप वो कभी मेरे से दूसरी बार कभी चीट नहीं करेंगे। तो वो मुझे चीट कर रहे थे, मैंने उसे माफ कर दिया है। होता है कभी कभी, मैं उससे भी मिस्टेक हो गया है, मेरा शायद मेरा कुछ गलती थी या उसका कुछ गलती था, मुझे पता नहीं किसका क्या था क्या नहीं। मुझे सिर्फ यही सोचना है कि मुझे उसके साथ जिंदगी भर साथ रहना है, उसके साथ ही मुझे जीना है मरना है। मैं तो ऐसे ठान लिया था, लेकिन बीच में उसका थोड़ा सा मन भटक गया था बहुत। फ्रेंड क्या बताऊं, 2 हफ्ते हो चुके हैं अभी, उस बातों को मैं भूलना चाहती हूँ। जो हुआ सो हुआ, मैं और कुछ दोबारा से कुछ भी रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। मैं लाइफ को थोड़ा सा उनके साथ मैं जीना चाहती हूँ। पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे जितना वो उसने दिलासा दिलाया कि दिलासा ही बोल सकते हैं कि वो दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे, आई होप ना करे। बस मेरा मोटिवेट यही था आप सबके साथ, मेरा साथ जो हो रहा था आप सबके साथ शेयर करना, मुझे लग रहा था कि बताऊं आपके साथ शेयर करूं। क्यों, इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपडेट नहीं रह रही थी। आप सबको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम में, मैम दीदी सिस्टर बहुत सारे ऐसे करके पूछ रहे थे मैं वीडियो डेली अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं 2-3 महीनों से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है ठीक से। तो रीजन यही था फ्रेंड मेरा, 5 महीने से कुछ मेरा मूड, क्या बताऊँ, मेरा दिमाग सही हालत में नहीं था, जिसके लिए मैं कोई भी ब्लॉग शूट करना मेरा नहीं हो पा रहा था। हम सब समझ सकते हैं क्यों कह रही हूँ ये बातें। बस अभी मैं यही बोलना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना है और उनके साथ ही बढ़ना है। गलती कर चुके हैं तो फिर से वो दोबारा नहीं दोहराएंगे, मुझे प्रॉमिस किया है, तो बस यही बोलना है। तो आई होप ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा, सिंपल सा मेरा ब्लॉग था, मैंने बनाया है आप सबके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे बातें आप सबके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हो जाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सबको ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज करना है लाइक, और आप सभी का ब्लेसिंग मुझे चाहिए, पता है ना, तो ब्लेसिंग तो चाहिए, ब्लेसिंग प्लीज मुझे दीजिए। और क्या बताऊँ, और कुछ भी नहीं बोलना है मुझे फ्रेंड। और एक बात तो आप सबके साथ बोलना ही भूल गई, हैप्पी रोज डे ऑल ऑफ यू, मेरे सभी
व्यूअर्स को हैप्पी रोज डे मेरे तरफ से। और आज है 7 तारीख और मैं विश करना भूल चुकी थी, तो मैं जब एडिटिंग करने जा रही थी तब मुझे याद आया वो शिट, मैं तो आप सबको विश करना ही भूल गई। और आज ना सुमित मुझे विश करना भूल गए थे, आज बैंक पे जब गई थी उसके बाद मुझे डेट बोला, पूछ रहे थे बाबू डेट कौन सा है, मैंने बोला 7 तारीख, फिर उसको याद आ गया तो मैंने उसे वो मुझे बोलने से पहले मैंने उसे विश कर दिया। तो सबसे पहले सुमित को मैंने विश किया। एनीवे तो बस विश करना था तो कर चुकी हूँ। तो आप सबको हैप्पी रोज डे। आप रोज डे को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं बताना जरूर, मेरा रोज डे कैसे गया आप सबके साथ तो शेयर कर ही रही हूँ, आपको कल पता चलेगा। आज मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी, 8 तारीख को ये वीडियो आप सबके पास पहुंचेगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना रोज डे आप सब कैसे सेलिब्रेट करते हैं और कर रहे हैं या कर चुके हैं, सॉरी कर चुके ही होंगे क्योंकि कल ये ब्लॉग जाने वाला है। तो बस बाय, गुड इवनिंग एवरीवन, फिर से बोल देती हूँ। तो चलो फ्रेंड, मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। बाय।